दोस्तों वेलकम टू योर ओन चैनल वॉल्यूम अप। दोस्तों आज का जो घर है हमारा बिल्कुल खास और एक खास लोकेशन जीरकपुर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो जीरकपुर के अंदर घर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाता, तो आज का जो घर रहेगा खास वो मेरे दोस्तों के लिए रहेगा। CBHK अपार्टमेंट है, डिज़ाइन बिल्कुल शानदार है, गेटेड सोसाइटी के अंदर रहेगा आपका, डबल साइड एंट्रेंस रहेगी, एक आपकी जो अप्रोच रहेगी सीधा चंडीगढ़ जीरकपुर हाईवे से या चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे से, और सेकेंड जो अप्रोच आपकी रहेगी पटियाला हाईवे से। तो आपको किसी भी लोकेशन में जाना हो तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो आपको बीच में पड़ेगी और कहीं भी आना जाना हो आपका कभी मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा जो अपार्टमेंट आज का रहेगा 1550 स्क्वायर फीट के अंदर, एक शानदार 3BHK अपार्टमेंट। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, मज़ा यहाँ पर पूरा आने वाला है। तो दो स्टेट्स में हमारी पार्किंग रहेगी, पार्किंग काफ़ी अच्छी है, स्पेस हमें यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी। आपकी गाड़ियाँ खड़ने के बाद भी यहाँ पर जो है कोई हौच पौच नहीं होगा, कोई रश नहीं होगा। स्ट्रीट में आपको एक स्टोर भी मिल जाता है और आपको यहाँ पर एक लिफ्ट भी मिल जाती है। यार लिफ्ट का ना एक फ़ायदा हो जाता है कि जब आप तो कुछ सालों के बाद हमें ऐसा नहीं लगता कि यार अब बुज़ुर्ग हो गए हैं तो चलना उतरना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो लिफ्ट होती है तो आपको कोई मुश्किल ही नहीं आती किसी तरह की। और ये हमारे स्टेप जो हमें ऊपर ले जाएंगे हमारे अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि लिफ्ट अभी इंस्टॉल होना बाकी है। ग्रेनाइट आपका स्टेज पे पूरा लगा होगा, साथ में जो आयरन की रेलिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों कॉरिडोर में हमारे दो ही अपार्टमेंट रहेंगे, लेफ्ट और राइट में। तो ये जो हमारा अपार्टमेंट है यहाँ पर आपकी जो चुगाट सारी रहेंगी वो सारी कपूर साल की रहेगी या साल की। और जो आपका मेन एंट्रेंस डोर रहेगा काफी अच्छा खासा है, विड्थ आपकी 4 फीट की रहेगी और ये आपका रहेगा पूरा टीक वुड। एंट्रेंस काफ़ी अच्छी है, ग्रैंड एंट्रेंस है। और ये हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, जी हाँ एक अच्छी स्पेस है यहाँ पर हमारे पास। तो ये आपका सैंपल अपार्टमेंट नहीं है, ये रियल अपार्टमेंट है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज की गई हो, बिल्कुल एज इट इज हमें मिलने वाला है। आप देख सकते हैं नीचे जो आपकी जो टाइल्स लगी हैं बिल्कुल 4x2 की लगी हैं, एक अच्छा मटेरियल यहाँ पर, डबल चार्ज टाइल्स आपकी यहाँ पर लगी हैं। सीलिंग पर एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है और यह 24 फुट की आपकी लेंथ रहती है, 24x12 का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास जो स्पेस है आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेस, आप देखिए 5 सीटर लगाया, 7 लगाइए, 9 लगाइए, उसके बाद भी आपके पास जो स्पेस बच जाती है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया आर्किटेक्ट की तरफ से। और यहाँ पर हमारी किचन जो हमें एज इट इज़ मिलने वाली है, बस इसमें से ये प्रिंटर हम हटा लेंगे। एक अच्छी अलमीरा वाला एरिया, उसके साथ हमारे जो है सारे बॉक्सेस आपको यहाँ मिलेंगे। ग्रेनाइट की आपकी शेल्फ रहेगी, सामने आपका एक अच्छा डिज़ाइन टाइल्स का रहेगा और ठीक इसके ऊपर हमें चिमनी यहाँ पर मिलने वाली है। जी हाँ, चिमनी ही नहीं, यहाँ पर आपको एक आरओ भी मिलेगा। और ये हमारी सोसाइटी, जी हाँ डबल लेमिनेशन यहाँ पर हमारे मिलने वाले हैं सारे के सारे। जितनी भी विंडोज आपकी रहेंगी सारी UPVC रहेंगी, जो कि 90% साउंड जो होती है बाहर की उसको कैंसिल कर देती है। प्रॉपर आपको यहाँ पर एक आरओ भी लगा हुआ मिलेगा, जैगवार की आपको प्यारी सी फिटिंग्स यहाँ पर मिलेंगी और प्लस एक डीप सिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इस तरफ आ जाता है एक हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में इतनी अच्छी स्पेस है और एक अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पूरा मिलता है। तो ये टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, बीच में आपको जो है टफन ग्लास पूरा मिलता है, ड्रायर वेट कॉन्सेप्ट के साथ आपकी एक वॉशरूम रहने वाला है। जैगवार की फिटिंग्स आपको यहाँ सारी जगह मिलती हैं और प्लस एक डिज़ाइनर आपको सिंक यहाँ पर मिल जाता है। यार ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये कॉमन वॉशरूम है, तो कॉमन वॉशरूम का मतलब होगा कि आपके जो गेस्ट हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब वो इसे यूज़ करेंगे तो यार आपको कॉम्प्लीमेंट दिए बिना नहीं जाएंगे। ठीक इसके सामने में आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। वाह क्या बात है, खूबसूरत सा डिज़ाइन है आपका, एक बड़ा सा बेडरूम, जी हाँ साथ में एक बड़ी सी खिड़की। वाह क्या बात है यार,
और यहाँ से जो सारा दिन लाइट आपके घर के अंदर आने वाली है वो वाहे क्या बात है। दोस्तों बेडरूम हमारा जो रहेगा 14x12 का रहेगा, जो एक अच्छा साइज हमें यहाँ पर मिल जाता है। वार्डरोब्स हमें पूरी यहाँ पर मिलती हैं डबल लेमिनेशन के साथ, और ठीक यहाँ पर हमारे पास एक अटैच वॉशरूम भी हमें मिल जाता है। काफ़ी अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर भी आपको ग्लास पार्टीशन पूरी मिलेगी। ठीक यहाँ टाइल्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और बिल्कुल इस तरफ आपको जो मिल जाती है आपकी जैगुआर की फिटिंग, वो भी डिज़ाइन के साथ, सिंपल फिटिंग यहाँ पर कहीं पर नहीं मिलेगी आपको। जो चीज़ मिलेगी आपको पूरी प्रॉपर मिलेगी। और जो सिंक है आपका, वॉश बेसिन है, वो फिर से एक डिजाइनर मिलेगा आपको यार विद स्टोरेज। ये वाकई बड़ी खास चीज है, बहुत ही कम लोकेशंस पे देखा ऐसी चीजें मिलती हूँ। और ब्लेम में जब आप इसका रेट देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, तो यार वाकई बड़े अच्छे रेट्स के अंदर हमें ये घर मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा सेकेंड बेडरूम, काफी अच्छी सीलिंग डिजाइन, हर रूम के अंदर सीलिंग डिजाइन आपको पूरा मिलेगा, फॉल सीलिंग मिलेगी, वार्डरोब्स आपको हर रूम के अंदर मिलेंगी, और ये सबसे बड़ी चीज जो स्पेस है वो आपको हर रूम के अंदर मिलेगी। तो आपका ये वाला बेडरूम है, ये भी आपका 11x12 का रहने वाला है। और जो यहाँ पर आपकी खिड़कियाँ हैं यार, वो क्या बात है, टफन है तो सीलिंग की हाइट तक है, काफी अच्छी स्पेस है। स्पेस हमारे पास यहाँ पर बेहद लाजवाब है यार। ये ना आपकी बालकोनी नहीं है यार, ये बरांडा ही है। काफी अच्छी स्पेस है यार, आपकी वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों यहाँ पर इजीली हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर स्पेस है, ऊपर वाले फ्लोर पर भी पूरी स्पेस है। और ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा थर्ड बेडरूम, यार देखिए खिड़कियाँ इतनी खूबसूरत है कि सारे घर के अंदर लाइट बिखेरती हैं। आपको यहाँ पर कभी लाइट्स ऑन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यार, मज़ा आता है। वाह, सीलिंग पर बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन है, वार्डरोब्स हमें यहाँ पर भी पूरी मिलती हैं। तो ये वाला बेडरूम जो आपका रहेगा ये 12x10 का रहेगा, तो काफ़ी अच्छा साइज़ है यहाँ पर भी। और ठीक इसके इस तरफ जो है हमारी टफन क्लास वाली पूरी के पूरी वॉल साइज़ की, तो यहाँ से बाहर आते तो हमारे पास एक अच्छी सी बालकनी आई थी जो कि 18 फीट की है, काफ़ी अच्छी लेंथ है। टफन आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा और आयरन रहेगा। और दोस्तों ये जो आपको खाली मैदान आपको नज़र आ रहा है, ये आपका सरकारी पार्क है, मतलब गवर्नमेंट का पार्क है 7 एकड़ का, तो यहाँ आपको ग्रीनरी हमेशा मिलेगी। ठीक इसके सामने ये जो गार्डन एरिया आपको ग्रीनरी मिल रहा है, ये आपका सारा क्लब हाउस बनेगा। तो हमारे पास हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, एक हमारे यहाँ से एंट्रेंस रहेगी और सेकंड एंट्रेंस कुछ इस तरह से रहेगी, सीसीटीवी कैमरास के साथ, सिक्योरिटी के साथ, आपकी गेटेड सोसाइटी हमारी ये रहेगी 1550 स्क्वायर फीट के अंदर। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिए। इस वादे के साथ फिर आपको फिर मिलेंगे एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।